alright let us move on to the sixth question of the exercise the question says a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building find the distance he walked towards the building क्वेश्चन समझाता हूँ उसके लिए मैं एक रफ फिगर बनाऊंगा और जब सॉल्व करूंगा तो फेयर फिगर से आपको सॉल्व करके बताऊंगा देखिए क्वेश्चन ये है आपके पास एक बिल्डिंग है ये मैं बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं ऑबियस है ग्राउंड पे ही होगा बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की हाइट गिवन है आपको थर्टी मीटर ठीक है और उस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा है उसकी हाइट भी गिवन है वन मीटर से शुरू में वो खड़ा होगा एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द बिल्डिंग अब वो क्या कर रहा है बॉय वो बिल्डिंग की तरफ कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है से वो बिल्डिंग की तरफ आते आते यहाँ तक पहुँच गया और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बाय द टाइम से वाई वाई डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने टूअर्ड्स द बिल्डिंग और यहाँ पहुँच गया और क्वेश्चन में आपको गिवन है शुरू में जहाँ वो था उस इंस्टेंट पे और जहाँ फाइनली वो पहुँचा आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टन डिस्टेंस टूअर्ड्स द बिल्डिंग दोनों इंस्टेंट्स पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है आपको शुरू में एंगल थर्टी डिग्री है और बाद में एंगल हो गया सिक्सटी डिग्री और कंसेप्ट आपको मालूम भी होगा थ्योरी में आपने पढ़ा होगा हम जैसे जैसे किसी बिल्डिंग पोल या टावर की तरफ जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ आप जितना जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज होगा और क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आप थर्टी डिग्री से इंक्रीज होकर वो सिक्सटी डिग्री हुआ है ठीक तो फाइनली आपको इतनी इन्फॉर्मेशन से ये वाई डिस्टेंस निकालनी कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ये आपको निकालना है मैं जल्दी से आपको फेयर फिगर बताता हूँ और फिर सॉल्व करके बताऊंगा देखते जाइए ध्यान से ठीक चलिए फेयर फिगर लेके आता हूं This one. This one. अब इसमें मैं लेबलिंग करके जल्दी से बताता हूं कौन सी चीज क्या है देखिए ये जो दिख रहा है आपको ये बिल्डिंग हो गई उसका नाम दे देते हैं कुछ लेबलिंग कर देता हूं बिल्डिंग का जो हाइट है उसको बोल देता हूं ए बी ठीक और ये आपको गिवन है वैसे ये आपको हाइट गिवन है थर्टी मीटर ये आपको थर्टी मीटर गिवन है ठीक है और ये बॉय शुरू में यहां कहीं पे खड़ा था और इसकी हाइट गिवन है आपको 1.5 मीटर और आपको मालूम है अगर ये 1.5 मीटर है इसका नाम दे देते हैं सी डी बोल देता हूँ मैं उसको ठीक है ए बी इज हाइट ऑफ द टावर एंड सी डी इज हाइट ऑफ द बॉय नाउ अगर ये सी डी 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा आपको मालूम और ये भी 1.5 मीटर होगा इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं ई e, ये दिस वन इस पॉइंट का नाम है ई e, तो जो आपका ई बी है ई बी वो भी कितना होगा ये 1.5 मीटर ये भी आपका होगा 1.5 मीटर ठीक है और ये एंगल आपको गिवन है शुरू में 30 डिग्री जहाँ वो खड़ा था बाद में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी और इस डिस्टेंस को मैंने वाई एज्यूम किया था और शुरू में वो जिस डिस्टेंस पे खड़ा था उसको मैंने एक्स एज्यूम किया था ठीक है तो वो बाद में यहाँ पहुँच गया आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ वाई टूवर्ड्स द बिल्डिंग वो यहाँ पहुँच गया इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एफ जी ठीक है ये fg लिखा है मैंने और ये एंगल आपको कितना गिवन है 60 डिग्री चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं आप इस फिगर से देख सकते हैं टावर की हाइट पूरी है सॉरी बिल्डिंग बिल्डिंग की पूरी हाइट है 30 मीटर जिसमें eb ये जो बॉय की हाइट थी वो eb कितना है 1.5 मीटर तो ab में से अगर 1.5 मीटर मैं सबट्रैक्ट कर लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा ae तो मैं लिखता हूं यहां पे ए इज इक्वल टू ए बी माइनस ई बी विच इज इक्वल टू थर्टी माइनस वन पॉइंट फाइव विच गिव ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर तो फाइनली आपको यह पता चल गया ए जो है वो कितना है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर यह ए का लेंथ है ठीक अब आप देखिए आपको दो राइट एंगल ट्रैंगल दिखेंगे एक आपको दिखेगा एफ और एक दिखेगा बड़ा सा आपको ए ई डी जिसमें अगर मैं बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूं एच इज राइट एंगल डेट ई तो ई डी डी पूरा दिखेगा आपको कितना x, और जब मैं छोटा ट्राइंगल लूंगा ए ई एफ तो उसमें ई e, एफ आपको मिलेगा कितना देखिए पूरे x में से अगर आप y सब कर लेते हैं पूरे x में से y, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा एज x माइनस वाई ये आपका बेस हो गया इस ट्रायंगल के लिए एफ e, के लिए ठीक तो आप कैसे लिखेंगे बेस और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं टेन थीटा में तो आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल मैं पहले बड़ा ट्रायंगल ले लेता हूं हूँ इन राइट ट्राइंगल एडी ठीक है आप बड़े से ट्रायंगल में देखिए तो आपको मिलेगा एन ई डी ये आ जाएगा आपके पास एज टेन ऑफ थर्टी डिग्री ये थर्टी डिग्री गिवन था आपको नाउ वी नो दैट

निकालना आपको क्या है फाइनली आपको वाई निकालना है अब मैं इस छोटे ट्रायंगल पे जाता हूँ इन ट्रायंगल एक्चुअली राइट ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल ए ई एफ ए ई एफ इसमें आप लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए ई मैंने tan इसलिए लिया क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस पे वर्कआउट करना है ठीक है ए ई अपॉन ई एफ ठीक अब ए कितना है आपके पास अगेन 28.5 एट पॉइंट फाइव अपॉन ई एफ इज एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एंड वी नो दैट टेन सिक्सटी डिग्री इज टेन सिक्सटी डिग्री इज रूट थ्री ठीक है ऑन सब्सिट्यूटिंग टेन सिक्सटी डिग्री एज रूट थ्री वी गेट रूट थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अपॉन एक्स माइनस वाई विच गिव एक्स माइनस वाई एज 28.5 अपॉन रूट थ्री अब यहाँ डिनोमिनेटर में रूट थ्री आ गया है तो एक काम करिए इसको रैशनलाइज कर दीजिए इंटू रूट थ्री और नीचे भी रूट थ्री ठीक है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया रूट थ्री से तो फाइनली एक्स माइनस वाई मिलेगा आपको एज ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री अपॉन थ्री अब जब थ्री से आप कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिलेगा एज नाइन पॉइंट फाइव रूट थ्री ठीक आपके पास x- माइनस वाई आगे कितना 9.5 पॉइंट फाइव रूट थ्री अब मैं यहां पे सॉल्व करता हूँ बस थोड़ा सा काम बचा आंसर आ गया लगभग x- माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फाइव रूट थ्री ठीक है इसको इक्वेशन अगर आप टू बोल रहे हैं तो आप देखिए x की वैल्यू इक्वेशन वन से आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री फ्रॉम इक्वेशन वन माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फाइव रूट थ्री ठीक है जब साइड चेंज करोगे माइनस वाई को मैं वहां लेके जाऊंगा तो प्लस वाई बन जाएगा और नाइन पॉइंट फाइव रूट थ्री को जब मैं एल एच एस में लेके आऊंगा तो सब ट्रैक्ट होगा इज इक्वल टू वाई विच गिटी एट रूट थ्री माइनस नाइन पॉइंट फाइव रूट थ्री गिवस एज एज नाइनटीन रूट थ्री तो जो वाई की वैल्यू आई आपके पास वो आया रूट थ्री और जो y है यही आपको कैलकुलेट करना था कितना डिस्टेंस उस बॉय ने ट्रेवल किया टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइनली आपका आंसर क्या होगा हेंस द डिस्टेंस द डिस्टेंस वॉकड बाई द बॉय डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग पूरा लिख देता हूं मैं टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज़ 19 रूट थ्री मीटर्स आपको यूनिट भी लिखना चाहिए दिस इज आर आंसर सो दिस कंप्लीट आर सोल्यूशन आई होप समझ में आ गया होगा आपको अदरवाइज दोबारा वीडियो देख लीजिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं